Cuba Elvish Yadav has been arrested by the Noida police earlier today. YouTuber Elvish Yadav को Noida police ने गिरफ्तार किया. ये गिरफ्तारी सांपों के जहर से जुड़े मामले में की गई है. ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है. Elvish कुछ कहना चाहोगे? हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे. प्रसाद भाई, आज का ब्लॉग है कुछ अलग होने वाला है. अलग क्या होने वाला, आज का दूसरा टॉपिक है, कुछ ऐसा है नहीं. इलिश यादव के ऊपर आज वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चलिए निकलते हैं. और थोड़ा मुझे जाना है सिविल हॉस्पिटल की तरफ. जय हो विश्वकर्मा, जय दुर्गा माता. तो भाई सुबह का मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, ठीक है. और क्या, और बताओ सब बढ़िया भाई साहब? और सुबह का मौसम कुछ इस तरह हो रखा है भाई. और देख सकते हो काफी ठंडा मौसम है, और ठंडा की वजह से हमारा काम भी ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है. तो आज का भाई वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है, वीडियो ऐसा होने वाला है कि ऐसा कुछ कहीं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे कि आपने सुना होगा इलिश यादव अरेस्ट हो गया है, तो उसके ऊपर बना रहा हूँ. अगर उसमें मैं क्या होता है आप अपना ओपिनियन देना, कैसा है कैसा नहीं, ठीक है. तो बात ऐसी है, आपको बता दें, दो दिन हो गया मैं थोड़ा काम कर रहा था, तो ऐसा नहीं है मैं उसका फैन तो नहीं हूँ, ना ही कुछ ऐसा है. मैंने उसको कहीं सोशल मीडिया पे फॉलो भी नहीं किया है, ठीक है. जो है वो बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को मैंने फॉलो किया है. ऐसा नहीं कि जो पॉपुलर बंदे उनको फॉलो किया मैंने, हाँ सिर्फ रोहित जिंदर को मैंने फॉलो किया है, और जो भी अक्षय कुमार नारायण मोदी वोदी है इनको मैंने फॉलो किया है, और जो फ्रेंड है. लेकिन ऐसे नहीं सब यूट्यूबर को मैंने फॉलो करके नहीं रखा है, ठीक है. लेकिन खैर ऐसा नहीं कि मैं फैन के बेस की तरफ से सब होगा. तो बात यह है कि देखो इलिश यादव दो दिन पहले हो गया है गिरफ्तार. तो गिरफ्तार हो गया तो उसमें क्या है 14 दिन के लिए. अरे हेलो दोस्तों, अरे भाई थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कैमरे का एंगल ठीक नहीं था इसलिए एंगल सेट कर रहा था. तो अभी एंगल हो गया, आपने देखा होगा स्टार्टिंग का कुछ सेकेंड एंगल आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, और ये वाला कुछ अलग दिख रहा होगा. तो हो गया सर. तो ऐसा बता दूं भाई कि ये जो है ना भाई इलिश यादव, इसको इसमें जिनोम के मतलब ड्रग्स के मामले में उसको फंसाया गया है. अब फंसाया गया है क्या है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है. लेकिन जो भी है भाई, मतलब अरेस्ट हो गया तो मतलब कहने का मतलब देखिए, जैसे कि भाई शाहरुख खान के लड़के ऊपर आर्यन खान के ऊपर लगा था आरोप, पुलिस को पकड़ के ले गए थे. अभी उसके ऊपर आरोप लगा था, इसे पुलिस पकड़ के नहीं, मजिस्ट्रेट पकड़ के ले गई है, कोर्ट पकड़ के लेके गई है. तो उसमें कुछ अभी कह नहीं सकते कि इलिश यादव गुनहगार है, इस चीज़ का वो सप्लाई करता है. ये बात है जैसे कि ना अभी कुछ दिन पहले की बात है, जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पे एक गाना डाला था, रील्स है चाहे वीडियो जो भी है, उसने वहाँ पे कोबरा स्नेक का जो होते हैं उन्होंने वीडियो यूज किया. मैं वीडियो आपको दे दूंगा, अभी आपको दिखा देता हूँ. तो ऐसा है, तो वो वीडियो के थ्रू है, ठीक है. वो वीडियो के थ्रू में मतलब एक एनजीओ, बिंका एनजीओ करके है शायद वो, तो एनजीओ में जो है ना उन्होंने वो वीडियो देखा ना, तो वीडियो के थ्रू उन्होंने देख के उनको ऐसा डाउट हुआ कि ये इलिश यादव है जो स्नेक का ड्रग्स करता है. और जो कि ये जो है स्नेक वाला है ना भाई, स्नेक का जो होता है ना वाइल्ड लाइफ का जो होता है, वाइल्ड लाइफ को हम यूज नहीं कर सकते, वो इनके खिलाफ है, ठीक है. तो हम वो ज़्यादा हम स्नेक यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपने बहुत कम लोगों को देखा, तो वो खैर चल जाता है. लेकिन नॉर्मली जो अभी जो आरोप लगा है इलिश यादव के ऊपर की ड्रग्स के ऊपर वाला है, तो वो थोड़ा दिक्कत है. अगर इसमें वो पकड़े जाएगा इलिश यादव, तो कम से कम उसको 10 से 20 साल की जेल की सजा हो सकती है. ऐसा है, बाकी ऐसा नहीं. लेकिन वो जो हम लोग वीडियो में स्नेक यूज करते हैं अपने फन के लिए जो भी दिखावे के लिए, तो वो कानूनी कार्रवाई होता है भाई, वो अलग होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा. तो उसके वजह से इनका एनजीओ ने उनके ऊपर निगरानी रखा स्टार्ट कर दिया था, ठीक है. फिर कुछ टाइम ऐसे बीतने के बाद फिर जब बीत जाता है तो वो लोग किसी के कॉन्टैक्ट से फ़ोन करवाते हैं भाई कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है,
और हमें इसमें का सप्लाई चाहिए। यहाँ पर तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले जाते हो? फिर वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई। बड़े आदमी उनका फिर कॉन्टेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, दुनिया डरती है। हाँ फिर कॉन्टेक्ट है सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते, वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। ठीक, तो वो रिकॉर्डिंग भी रहता है तो बोलते है उसमें उन लोगों का जो बातचीत होता है तो रिकॉर्डिंग के थ्रू वो लोग पता करते हैं और पकड़ते हैं। तो उसमें एक विनय यादेकर को पकड़ा गया है और वो बता रहे उसका दोस्त है और एक आदमी कोई पकड़ा गया है। वो बोलता है मैं बहुत गरीब हूँ, वो वीडियो मैं आपको भी दे दूंगा। वो बोलता है मैं बहुत गरीब हूँ और उसका टेंट का काम है। तो मुझे टेंट वाले गरीब होते हैं, मेरे को तो नहीं लगता भाई कि टेंट वाले गरीब होते हैं भाई। अगर टेंट का भी अगर आप टेंट का भी करते हो तो कम से कम 40-50 हज़ार का नॉर्मली तो हो जाता है, टेंट का फंक्शन वंक्शन हो जाता है, तो मुझे तो नहीं लगता है गरीब है। खैर छोड़ो, जाने दो, वो बंदा बोल रहा है तो अलग बात है। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ यार भाई ऐसा नहीं बोला, क्योंकि जब मैंने अपनी सिस्टर की शादी की थी तो भाई उसमें ना सिर्फ टेंट का खर्चा 40 हज़ार गया था, नॉर्मल था रखा, उतना हाई फाई नहीं मैंने रखा था, तो भी 40 हज़ार गया था। तो इस अगर वो समझ हरियाणा वरियाणा में भाई तो उधर का जो टेंट उनका जो फैसिलिटी होता है भाई, अच्छा तो मिनी नॉर्मल भी होता है 40 हज़ार गया था, तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं भाई, मुझे ऐसा उसको बोलने का कि मैं गरीब हूँ ये हो, तो ऐसा है। तो वो भी पकड़ा गया, वो बोलता है कि मैं इन्हीं साली को आज तक देखा ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है ना भी देखा हो, लेकिन खैर वो जो दूसरा बंदा पकड़ा गया यार, वो भी ने यार, तो वो बोलता है मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी वो 14 दिन के लिए जेल में है। ए मैडम मैडम, ठीक है, तो ऐसा सब है सही, तो आपके ऊपर क्या लगता है उसके कमेंट सेक्शन में बताओ। देखिए अभी छानबीन होगा तो हम उसके ऊपर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एल्विश यादव आरोपी है, वो स्नेक का ड्रग सप्लाई करता है, स्नेक सप्लाई करता है, लेकिन अभी कोई साबित नहीं हुआ। अभी फिर उसे पुलिस पकड़ के लेके गई है, पुलिस पकड़ के लेके गई है तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस पकड़ के ले गई, अभी छानबीन होगा उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। ठीक है, और क्या बोलूँ मैं, थोड़ा भगा लिया जाए यार गाड़ी सुबह सुबह। नहीं जाहिर करूँ, देखो भाई मेरे को थोड़ा पेट्रोल भी भराना है, भगाने में मजा आ जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है सारा। तो देखो भाई गाड़ी तो थोड़ा बहुत भगा ही लिया है, लेकिन बात ऐसी है कि जब तक उसको पुलिस बता ना दे तब तक, ठीक है, तब तक हम उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते भाई, और क्या हम बता सकते। अरे काका, तो भाई ऐसा है, अब आप अपना इस पर राय देना, पुलिस यादव सही है कि गलत है, ऐसा नहीं फैन बेस की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, और आप जो फैन हो गए तो बात अलग है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे कि होता है कभी कभी कि हाँ उसने वीडियो न्यूज किया वो गलत है, लेकिन ऐसा क्या पता वो सप्लाई कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि नहीं कर सकता है, ऐसा कोई क्यों करेगा कोई। हो करते होंगे जो ड्रग्स के मामले में होंगे ना तो वो करते होंगे, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कर रहा होगा बंदा, क्योंकि उसकी भी भाई मार्केट में रिपोर्टेशन है भाई, उसका भी नाम ना खराब हो तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल उसको तो भाई ऐसा है और कुछ नहीं, आप अपना राय दे देना भाई, और क्या बोल सकता हूँ मैं, और क्या। चलिए ठीक है भाई, काफी है भाई जो है सो है। ठीक है चले, तो बस आज का वीडियो हम यहीं पे दहिन करते हैं, ज्यादा नहीं बता सकते भाई, अरेस्ट हो गया तो अब उसकी बात ही अलग है, और सब लोग काम पे जा रहे हैं, और ये कुछ मॉर्निंग का व्यू है। ठीक है चलो।